हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एल्केलॉइड। मतलब एल्केलॉइड के अंदर क्या, प्रोटो एल्केलॉइड। मैं जो है ट्रू एल्केलॉइड मैं करवा चुका हूँ पहले, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो बेसिक है वो भी मैंने करवा दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है पढ़ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल मैकेनिज्म करने वाले हैं। और सभी बोलते हैं कि यार एल्केलॉइड्स क्या है, मतलब मुश्किल है, याद नहीं होता है। इतना इजी वे के अंदर करवा रहा हूँ, और मतलब हर एक चीज़ आपकी सुनी हुई होगी, ठीक है, कि एक ड्रग कैसे काम करती है, और मतलब किस प्लांट से ड्राइव होगी या फिर किस प्लांट से निकलती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केलॉइड्स के अंदर। मैंने बताया था कि थ्री टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज ट्रू एल्केलॉइड, सेकेंड इज प्रोटो एल्केलॉइड, थर्ड इज सूडो एल्केलॉइड, ठीक है। तो आज हम अभी कर रहे हैं सिर्फ प्रोटो एल्केलॉइड एंड सूडो एल्केलॉइड करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटो एल्केलॉइड का दूसरा नाम क्या है, अमीनो एल्केलॉइड, ठीक है। तो क्या है, नाइट्रोजन कंटेंस बट नॉट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या है कि जो प्रोटो एल्केलॉइड हैं, जो इट इज़ मेड अप ऑफ, मतलब नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं, बट नॉट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं होगा। लेकिन ट्रू एल्केलॉइड्स के अंदर क्या था कि जो नाइट्रोजन था एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन ना आके एक साइड चेन के अंदर आएगा। जैसे देखो, मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है एफिड्रिन का, ठीक है। एफिड्रिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोटो एल्केलॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है ये, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन यहाँ आ रहा है, साइड चेन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। साइड चेन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। उसके अंदर क्या था कि नाइट्रोजन क्या था, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बेसिक, बेसिक इन नेचर है, ठीक है, और ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड। और ट्रू एल्केलॉइड्स भी मेरे पास क्या थे कि जो अमीनो एसिड से ड्राइव हो रहे थे, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड प्रकर्षर का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड से कैसे मतलब कौन सी चीज़ ड्राइव हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट है एग्जांपल क्या, ट्रू प्रोटो एल्केलॉइड का, एक्वानिटिन। एक्वानिटिन कहाँ से मिलेगा अपने को, रूट्स ऑफ एक्वानिटम नेपेलस, ठीक है। फैमिली बिलोंग्स टू रेनन्कुलेसी, ठीक है। देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, MOA मतलब मोड ऑफ एक्शन, इंटरेक्ट विद वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल, ठीक है। मतलब ये क्या करेगी, जो एक ये एक्वानिटिन एक टाइप से ड्रग ही है, इट इज़ बाइंड टू द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल, ठीक है। मतलब इसको इफेक्ट करेगी, ये किसके अंदर हो सकता है, मतलब स्केल्टन मसल के अंदर हो सकता है, नर्व्स के अंदर मतलब ये इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, यूजेज। यूजेज क्या है, एंटीपायरेटिक। मतलब एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है कि मतलब फीवर को रिड्यूस करने का काम है इसका। एंड एनल्जेसिक ड्रग, एनल्जेसिक का मतलब कि रिलीफ फ्रॉम द पेन। एनल्जेसिक ड्रग के अंदर आती है एकोनिटिन, मतलब इसका मतलब ये है कि ड्रग जो मतलब पेन से रिलीफ करे, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब पेन नहीं होने देगी, महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एफिड्रिन। एफिड्रिन इज डिराइव फ्रॉम द प्लांट, प्लांट कौन सा है, एफिड्रा सिनिका, ठीक है। और फैमिली कौन सी है, एफिड्रेसी, ठीक है। ये मेरे पास एफिड्रिन का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर क्लियरली है शो किया हुआ है कि मतलब जो मतलब नाइट्रोजन एटम मेरे पास प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट ना होगी, साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है, उसके बाद में ये हाफ मतलब आगे साइकिल है, ठीक है। तो अब क्या है, अमीनो एसिड प्रकर्सर। प्रकर्सर का मतलब किससे ड्राइव हुआ, कौन सा अमीनो एसिड काम करेगा, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। देन एक्शंस एंड यूजेस, एक्शंस एंड यूजेस क्या है एफिड्रिन के, वो मैं बताने जा रहा हूँ। डीकंजेस्टेंट, डीकंजेस्टेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसी ड्रग जो अपने को किससे मतलब रिलीफ देती है, कोल्ड, हाई फीवर, एलर्जीज, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो मतलब काम करेगी ये। देन एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का मतलब क्या है, इनसेंसिटिव टू पेन। मतलब एफिड्रिन ड्रग एक ऐसी ड्रग है, जैसे कोई भी डॉक्टर अगर
ये बोल सकते हैं कि ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करने के बाद में अगर उसमें एफिड्रिन अगर दे दें तो मतलब इनसेंसिटिव पेन का, मतलब पेन का पता नहीं चलता, मतलब सर्जरी के टाइम इसको हम मतलब डॉक्टर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन इज ऑल्सो एन ड्रग, या फिर बोल सकते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ग्रुप ऑफ प्रोटो एल्केलॉइड्स। ठीक है, इट इज़ द प्लांट नेम क्या है, कोल्चिकम ओटमनेल। ठीक है, कोल्चिकम ओटमनेल, और फैमिली कौन सी है, कोल्ची केसी। ठीक है, देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल पोलराइजेशन बाय बाइंडिंग टू ट्यूब्यूलिन। इसका मतलब क्या है, कोल्चिसिन क्या है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाती है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइटोसिसिन सेल्स। ठीक है, तो क्या करेगा, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल पोलराइजेशन को इफेक्ट करेगा, मतलब ये है कि मतलब ऐसी ड्रग जो सेल की डिवीज़न को रोक दे। ठीक है, जो माइटोटिक डिवीज़न हो रही है वो काफ़ी मतलब इफेक्टिव होगी, या फिर बोल सकते हैं काफ़ी हार्मफुल हो सकती है ऐसी ड्रग। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बोला गया है माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन का मतलब ऐसा पॉइजन जो माइटोसिस को मतलब इनहिबिट करके जा रही है या फिर ब्लॉक करके जा रही है। ठीक है, देन एक्शंस एंड यूजेज। एक्शंस एंड यूजेज क्या है, टू ट्रीट फैमिलियल मेडिट्रेन फेवर फीवर। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फीवर है जिसके अंदर इस ड्रग का यूज़ किया जाता है टू क्योर। ठीक है, देन है पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस इज एन एक हार्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी मतलब इसका यूज़ किया जाता है। देन बेकेट्स डिजीज़, बेकेट्स डिजीज़ के अंदर भी मतलब कोल्चिसिन का यूज़ किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो अब ये तो था मेरे पास प्रोटो एल्केलॉइड। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सूडो एल्केलॉइड, हाउ सूडो एल्केलॉइड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटो एल्केलॉइड, मतलब तीनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं सूडो एल्केलॉइड। ठीक है, तो प्रोटो एल्केलॉइड अपना कंप्लीट हो चुका है, सूडो एल्केलॉइड के अंदर क्या चीज़ आती है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट होगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वीकली बेसिक जो नेचर है इसका होगा बेसिक ही, लेकिन वीक बेसिक होगा। ठीक है, देन डू नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड प्रिकर्सर। ठीक है, तो क्या था, ट्रू एल्केलॉइड प्रोटो एल्केलॉइड बोथ आर डिराइव फ्रॉम द अमीनो एसिड प्रिकर्सर, लेकिन यहाँ पे जो सूडो एल्केलॉइड है, दीज एल्केलॉइड्स आर नॉट डिराइव फ्रॉम द अमीनो एसिड प्रिकर्सर। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। केफिन, केफिन का अब आप बोलोगे कि ट्रू एल्केलॉइड में भी एग्जाम्पल था। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि कैफिन, यहाँ पे कैफिन कैसे है, कैफिन इज एन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डियोब्रोमिन इज एन प्रोडक्ट ऑफ कैफिन। कैसे, जैसे ही कैफिन कंज्यूम किया मतलब बॉडी ने लिया, इट विल कन्वर्ट इनटू या फिर मेटाबोलाइज इनटू द डियोब्रोमिन। ठीक है, बाय द लीवर। ठीक है, तो कैफिन अपने जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा इसके अंदर। ठीक है, वो कौन से हैं, या फिर बोल सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सूडो एल्केलॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, कौन से हैं, डियोब्रोमिन, पेराजेंथिन, नेक्स्ट थियोफाइलिन। ठीक है, कितने कितने परसेंट, डियोब्रोमिन 12%, 84% मतलब पेराजेंथिन 84%, थियोफाइलिन 4%। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या कैफिन विल मेटाबोलाइज इनटू डियोब्रोमिन। कैफिन मीन्स 1,3,7 ट्राई मिथाइल जेंथिन। ठीक है, मतलब कैफिन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है, 1,3,7 ट्राई मिथाइल जेंथिन, और देन इट विल कन्वर्ट इनटू डियोब्रोमिन। डियोब्रोमिन क्या है मेरे पास, 3,7 डाई मिथाइल जेंथिन। ठीक है, डाई मिथाइल जेंथिन। अब क्या है, अब कैफिन एंड जो डियोब्रोमिन है मेरे पास, बोथ आर द नॉर्मली दे आर द सेम एंड यूजेज इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो क्या है कि दोनों क्या करेंगे, बाइंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे।
ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बाइंड करेंगे, लेकिन बाइंडिंग क्या होगी दोनों की, सेम होगी। ठीक है, मतलब इफेक्ट इफेक्ट्स भी क्या हैं, सेम होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखते हैं कि डियोब्रोमिन हमें और किससे कहाँ से हम हमें मिल सकता है। ठीक है, तो डियोब्रोमिन टी प्लांट के अंदर भी, मतलब जो है कैफीन जिससे मिलता है टी लीव्स के अंदर, ठीक है, वहाँ से भी अपने को मतलब डियोब्रोमिन का प्रोडक्शन होता है, मतलब कम। ठीक है, तो सोर्स क्या है, डियोब्रोमा काकाओ इट विल बिलोंग इट इज़ बिलोंग टू द मालवेसी फैमिली। ठीक है, अब क्या है, एक्शन सेंड यूजेज, हम डियोब्रोमिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्शन सेंड यूजेज क्या है, इट इज़ यूज फॉर द वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स को क्या है, वाइड करने का काम करता है। ठीक है, डाइयूरेटिक, डाइयूरेटिक मतलब यूरिनेशन एड का अंदर काम करेगा। ठीक है, देन हार्ट स्टिमुलेंट का काम करेगा। ठीक है, तो क्या है, डियोब्रोमिन जो है मेरे पास एल्केलॉइड नॉर्मली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हम जैसे चॉकलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, जो चॉकलेट्स तो लिटिल बिट बिटर इन टेस्ट है ये। ठीक है, लेकिन चॉकलेट के अंदर प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, देन ये तो था मेरे पास डियोब्रोमिन सुडो एल्केलॉइड्स के अंदर। एक दूसरा एल्केलॉइड मेरे पास मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्या है, सोलेनिडिन एल्केलॉइड्स। सोलेनिडिन एल्केलॉइड्स क्या है, इट इज़ एन स्ट्रोइडल एल्केलॉइड। ठीक है, तो क्या है, इट विल बिलोंग टू द सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, एंड एग्जांपल क्या है, पोटैटो एंड सोलेनम अमेरिकेनम। ठीक है, एंड एक्शंस एंड यूजेस क्या होंगे इस सुडो एल्केलॉइड्स के, रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोमस्कुलर सिंड्रोम्स वाया कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिशन। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट है एक स्टेरॉयडल हार्मोन का। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और मतलब सारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, हम बिल्कुल सारे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं हम, और विदाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सारे हम पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।